मेरा जो भाई एप्पल वाला चार्जर है ना, वो भाई घर से चोरी हो चुका है। कि अभी ये जो आप सामान देख रहे हैं ना सारा, ये भी अभी कुछ सामान बाहर जाएगा, जिसपे मैं बैठा हूँ सोफे पे, ये भी बाहर जाएगा। जैसे आप देखिएगा, सब कुछ सारा पेंट हो चुका है और रात के 10:30 बज चुके हैं। हाय कर दो। हाय हाय। आप भी हाय कर दो। आप भी आज पहली बार हमारे ब्लॉग में आ रहे हो। सो हेलो जी, गुड आफ्टरनून। टाइम भाई 12 बज चुके हैं एग्जैक्ट है, और वंशिका जी और मैं हम जा रहे हैं भाई दीदी के घर में, बिकॉज आज 9 तारीख है, कल 10 है, कल धनतेरस है, 12 की दिवाली है। तो वंशिका जी और मैं हम दोनों जा रहे हैं दीदी को दिवाली देने। और पिछले कुछ दिनों से भाई काफी बिजी चल रहा था मैं, कि दिवाली आने वाली है तो थोड़ा बहुत घर का काम था, साफ सफाई थी, और जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ हमें पेंट भी करवाना है और कुछ लकड़ा का काम भी था, तो ये सारा काम भाई हमने कराया। तो उनकी मैंने भाई एक क्लिप रिकॉर्ड करी है, तो आप वो क्लिप देखिए जब तक हम पहुंचते हैं दीदी के घर पे और आपको भी मिलवाते हैं। तो भाई सुबह सुबह ना अभी चाय पी रहे हैं, मैं देख रहा हूँ भाई बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस का जो एपिसोड आया ना भाई इन दिनों काफी मजेदार आ रहे हैं, मतलब कि मेरे को तो काफी मजा आ रहा है देखने का। सो बस अभी चाय पीते पीते बिग बॉस देख रहा हूँ सुबह सुबह, और अभी पेंट वाले भी आ जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत सामान इधर उधर भी करना पड़ेगा ना। तो भाई टाइम बच चुके हैं 1:30, और लकड़े वाले से भी हमारी बात हो चुकी है। लकड़े वाला भी वैसे अभी 10 से 15 मिनट में आ रहा है, क्योंकि 2 बजे से बड़ा 2 बजने वाले हैं, और पेंट का सामान भी सब आ चुका है, पेंट वाला भी आज ही लग जाएगा। सो कोशिश कर रहे हैं भाई कि 10 तारीख से पहले काम सारा क्लियर हो जाए, मैं भी शायद 10 तारीख तक तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें थोड़े बहुत और काम भी वो भी करना है, और भूख काफी लग रही है, तो खाना भी खा लेते हैं फटाफट से। तो ये लकड़ वाले भी आ चुके हैं और काम हो रहा है, लकड़ वाला भी जो कपड़ का हमारा काम है किचन का वो भी हो जाएगा, तो आपको दिखाऊंगा। पेंट वाला भी अभी आने वाला है कुछ देर में। भाई भूख काफी लग रही है, तो खाना भी हमारा आ ही चुका है, खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको किचन का थोड़ा दिखाता हूँ। और सुबह से ना भाई नहाए नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि जो आज का दिन है ना काफी हेडेक होने वाला है, इधर उधर बार बार जाना, तो ना नहाने का मतलब, तो अभी तक मैं नहाए नहीं हूँ, तो रात को देखेंगे नहाने का। क्योंकि अभी ये जो आप सामान देख रहे हैं ना सारा, ये भी अभी कुछ सामान बाहर जाएगा, जिसपे मैं बैठा हूँ सोफे पे, ये भी बाहर जाएगा, इवन टेबल भी बाहर जाएगी, जो फोटोज वगैरह ये भी सब बैठेगी, क्योंकि अभी थोड़ा रिपेयरिंग होगा एंड रिपेयरिंग के बाद फिर पेंट होगा। सॉरी, हमारा किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जैसे कब्जा टूट गया, सॉरी जैसे हैंडल टूट गया, तो ये भी रिपेयर हो गया, और ऑलमोस्ट सभी कब्जे भाई चेंज हो चुके हैं सभी के, और ये प्रेशर वाला भी जो ख़राब था वो भी ठीक हो चुका है। अभी भाई पेंट का काम भी हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो पी ओ पी वगैरह थोड़ी बहुत स्टार्ट हो चुकी है, ये हमारा जो एक्स्ट्रा वो बच गया, क्योंकि इन दोनों की कब्जे ठीक थी। सो नाउ अभी चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पीते हैं, उसके बाद भी कमरे का सामान को बाहर निकालना। तो एक पेंट वाला आ चुका है, खाना वगैरह खा लिया है, और कुछ सामान दोनों ने बाहर भेज दिया है, गद्दे वगैरह बाहर भेज रहे हैं, और यहाँ पे चादर वगैरह ढक देंगे, जिससे कि हमारा जो सामान है ना वो ज़्यादा ख़राब ना हो, तो गद्दे रखते हैं और चलते हैं बाहर। सो भाई आप देख रहे हैं सारा सामान इधर कर दिया, सोफ़ा भी बेड के ऊपर रख दिया हमने, और पोल्ट्री वगैरह सब बिठा दिया, और यहाँ पर भी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग हो चुकी है। सुनाओ भाई, अभी मैं जा रहा हूँ थेरेपी कराने अपने शोल्डर की, एंड देन आधा घंटा में वहाँ लगता हो गया। अब तक से ना शोल्डर में काफ़ी पेन हो रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने शोल्डर की लगाई थी ना, तो थोड़ा सा नो वर्ड की इंजरी हो चुकी थी शोल्डर में। तो 1 hour later सो भाई फिजियोथेरेपी करा के आ चुका हूँ, और धीरे धीरे रंग होना स्टार्ट हो चुका है, और मैंने एक डिज़ाइन बनवाया, देखिए वैसे लाइट ग्रे है, आपको वैसे वीडियो में पता ही लगेगा, जब पूरा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। किचन तो हमारा हो गया स्टार्ट, पेंट होना, सो लेट्स सी। सो जब पूरा कलर हो जाएगा तब मैं आपको भाई दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है कलर, है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है होना, तो उम्मीद है कि आज रात तक सारा का सारा हो जाएगा, तो जब होगा तब आपको दिखाएंगे भाई पूरा का पूरा। और अभी फिजियोथेरेपी करके जस्ट अभी आया हूँ, एंड वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था भाई, तब करके हम वीडियो बना नहीं पाए, तो फटाफट से मुझे निकलना जरूरी था, कि यू नो व्हाट से कि घर में मिस्त्री लगे हैं, तो खड़े होकर तो काम कराना चाहिए ना। जी हमारा जो कमरा है ना वो सारा हो चुका है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए, ये ग्रे है, ये ग्रे है, और ये वाइट है। आई नो कि अभी आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, लेकिन अभी अभी किया है ना, तो अभी थोड़ा बहुत आपको शायद दिख रहा होगा डिफरेंस, लेकिन मोस्टली हो चुका है कलर, और अभी कुछ भाई बाहर लगे हुए हैं। तो जब ये सारा क्लियर हो जाएगा ना, तब मैं आपको आराम से दिखाऊंगा। जो रिपेयरिंग थी हमारी किचन की वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो पेंट भी आज रात तक हो जाएगा। सो टाइम भाई आप देख रहे हैं 10:30 होने वाले हैं, और जो हमारा पेंट का काम है वो भाई हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं सब कुछ सारा पेंट हो चुका है,
और रात के 10:30 बज चुके हैं। तो जो पेंट वाले वो जस्ट अभी गए हैं भाई, तो सोचा कि आपको दिखा दें कि अभी तक भाई काम चल रहा था हमारा, जो जो काम था ना फिनिशिंग वाला वो सब कुछ करा लिया। सो हेलो जी, आज डे टू है। जैसे मैंने रात को आपको बताया था भाई कि पेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैंने आपको दिखा नहीं पाया था, लेकिन अब डे है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बेसिकली ये जो कलर है ना भाई, ये सामने वाला व्हाइट है और ये ग्रे है। सो अभी हमने बस ये थोड़ा बहुत सामान सेट करना है, तो मैं आपको अभी बार का व्यू भी दिखाई देता हूँ भाई। यहाँ पे भी हमने ग्रे कलर दिखाया जो कि आपको व्हाइट ही दिख रहा होगा इसलिए सी बात है। एंड नाउ दिस किचन, सामने वाइट है और ये दोनों दीवारें ग्रे हैं, और हमने यहाँ पे भी वाइट कराया है। एक्चुअली मैंने शाइनिंग वाला कलर करवाया ना, तो उसके कारण से आपको थोड़ा डिफरेंस समय में नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये वाला ग्रे है एंड ये वाइट है। सो नाउ अभी हमने ये सब काम कंप्लीट करा लिया, और अभी टाइम भाई 12:30 बनने वाले हैं। फटाफट से नहा के थोड़ा वो जो मार्केट का काम है वो भी निपटा लेते हैं, और अभी अरुण का फोन आया था उसके साथ ही मार्केट जाना है। तो भाई जैसे मैंने बताया था कि अरुण और मुझे मार्केट में जाना है, लेकिन भाई प्लान पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है और 10 की धनतेरस है। तो आज जो प्लान हमने पोस्टपोन किया था ना जाने का, मैंने इसलिए किया था भाई क्योंकि लड़ियां लगानी जरूरी थी। अभी मैं आपको नीचे से भी दिखाऊंगा कि नीचे से व्यू कैसा दिखता है भाई बाहर का, है ना। तो अभी मैं आपको बाहर का भी दिखाता हूँ कैसा है भाई, चलिए लुक एट दिस। सो अभी आप बाहर का भी देखेंगे भाई कैसा है लड़ियों का, देखिए पीछे कैसा है। सो देखिए ऐसा कुछ भी है भाई हमारे बाहर का, कैसी लग रही है बताना कमेंट में। तो अभी वापस वीडियो में चलते हैं और लेके चलते हैं आपको दीदी और के घर पे। सो भाई आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि मैं भाई घर के कामों में थोड़ा बिजी था, क्योंकि पेंट करवाना था और उसी दिन लकड़ वाला भी आना था। तो यू नो वर्ड से कि काफ़ी हेडेक हो गया था भाई, और काफ़ी थक भी चुका था मैं उस दिन। वंशिका जी भाई फिलहाल सो रहे हैं अभी, और अभी टाइम भाई 1:30 बज चुका है, और थोड़ी दूर का सफ़र और रह गया है, उसके बाद हम दीदी और के घर पहुँच जाएंगे। तो कल भाई धनतेरस है, तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी धनतेरस। सो भाई अभी जब हम रुके हैं गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए, बिकॉज गाड़ी डीजल की है पेट्रोल की नहीं है। भाई मैं आप सब लोग यार एक चीज़ तो बताना भूल ही चुका भाई, कि रात को 10:30 बजे तक फ्री होते सभी पेंट वगैरह सब कुछ करके। तो भाई हुआ क्या, एक्चुअली मेरा जो भाई एप्पल वाला चार्जर है ना, वो भाई घर से चोरी हो चुका है। सिर्फ जो पेंट वाले थे वो मेरे कमरे में लगे हुए थे, तो मुझे जो डाउट है वो उन्हीं पे ही है। आई नो कि बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे भाई वो चार्जर ही क्यों चोरी करेंगे, अगर करना होता तो फ़ोन चोरी करते या कुछ और चोरी करते, पैसे चोरी करते। तो भाई मैं आपको बता दूं कि एप्पल का चार्जर कोई सस्ता नहीं है, एप्पल का चार्जर भी अगर आप लेने जाओ 3 हज़ार तक तो चार्जर आएगा ही आएगा। भाई आ चुके हैं दीदी और के घर पे, चलिए चलें भाई दीदी और के घर पे आ चुके हैं, सामान लेके मिलते हैं आपको अंदर। हम आ चुके हैं दीदी और के घर पे, सब मिलिए आप सब। हेलो, हाय करो भाई, मुंह से बोलो हेलो हेलो। सो ये दीदी एक बार हाय कर दो भाई, हाय कर दो, हाय हाय। आप भी हाय करो, आप भी आज पहली बार हमारे ब्लॉग में आ रहे हो, तो रिदम आप भी हेलो कर दो और हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, दोबारा करी राधे राधे भाई, ओ जैविक राधे राधे करी, राधे राधे बोल, राधे राधे बोलना, राधे राधे टाइम हो चुके हैं 2:40, और अभी हम लोग पी रहे हैं भाई चाय, सब बैठ चुके हैं, और ये हमारे जिया जी, ये दीदी आप मिल चुके हैं, और भाभी हमारी वीडियो में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, थोड़ा नर्वस है। तो चले भाई चाय वगैरह पी लेते हैं। और ये लीजिए आपकी एक मिठाई, और ये आपकी हैप्पी दिवाली।
तो चलो जी, खाना पीना सब कुछ हो चुका है और अभी टाइम 4 बजने वाले हैं, लगभग 10 से 15 मिनट रह चुके हैं। सो सभी से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, अभी हम भाई निकलते हैं क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। सो नाउ अभी निकलते हैं, चल चंगा। कौन कौन क्यूट है ना मैम, ठीक है बाय, ठीक है जी, और हम निकलते हैं और ये दीदी, ठीक है जी बाय, हैप्पी दिवाली इन एडवांस और हैप्पी धनतेरस, बिकॉज कल धनतेरस है भाई। सुनाओ अभी निकलते हैं भाई फटाफट से और मिलते हैं आपको रास्ते में आगे। सो भाई दीदियों के घर से तो निकल ही चुके हैं और 10:30 ही बजे हैं अभी। इस समय यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो रहा है क्योंकि जो पराली जलाते हैं ना यहाँ पे, हमारे वहाँ इतने धुआं नहीं है जितना धुआं भाई यहाँ पे। हालांकि अभी 4:30 बजे हैं और टाइम को देखते हुए ना ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे कि 6:30 का टाइम हो चुका है। सनी भाई दोनों दीदी आ चुके थे, हम दोनों को हमने दिवाली भी दे दी है और अभी बस घर के लिए निकल रहे हैं और जल्दी जल्दी पहुँचते हैं क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। गोप्रो से ना फिर आपको वीडियो क्वालिटी जो है वो थोड़ी डाउन नजर आएगी ना, क्योंकि रात को फिर गोप्रो उतना अच्छे से काम करेगा नहीं। आप सब सोच रहे हो कि हमने रुमाल क्यों रखा है मुँह के ऊपर भाई, क्योंकि ये डीजल की गाड़ी है ना, तो इनको डीजल चढ़ दो, उनको वोमिटिंग वगैरह करना थोड़ा ही चुका है। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है, देखिए यहाँ पे एक नया ब्रिज ओपन हो रहा है। सो आई डोंट नो कि कब तक बनेगा कब तक नहीं भाई। और मेरा एक और ट्रिप का प्लान बन रहा है, कौन सी ट्रिप है वो तो अभी नहीं बता रहा मैं, लेकिन जाने से पहले बताऊंगा कि वो इंटरनेशनल है डोमेस्टिक है, जून से भी हमारी ट्रिप होगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। इस बार कोई सस्पेंस नहीं होगा, सीधा हम आपको बताएंगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या हम वहाँ जा रहे हैं। तो भाई मैं आ चुका हूँ भावदिन और यहाँ से लगभग 20-1 मिनट का रास्ता हमारा हो रह चुका है भावदिन से हमारे घर का। ये टोल टैक्स आ चुका है, सो अभी जो हमारे यहाँ से घर का रास्ता वो लगभग 20-25 मिनट का रह चुका है। देन उसके बाद मिलते हैं भाई आपसे घर पे, और अंधेरा होने से पहले पहले हम पहुंच चुके हैं और हम वहाँ से निकले थे 4 बजे और हम 1 घंटे के अंदर अंदर सिरसा पहुंच चुके हैं, मीन घर पे पहुंचने वाले 1 घंटे के अंदर अंदर। सो भाई टाइम 5:30 बज चुके हैं एग्जैक्ट और आपका भाई आ चुका है भाई घर पे। कोई भी पार्ट वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा उसके लिए भाई कमेंट भी कर देना, अच्छा लगेगा हमें कि आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है नहीं देखी ये भी मुझे पता लग जाएगा ना। और बस अभी चाय बन रही है, चाय पीऊंगा। इस वीडियो को भाई यहीं तक ही रखते हैं और उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अपने दोस्तों के शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम सर मैं गुरु, टेक केयर, शाबाश।